नमस्कार। पहले हमने महासागरों के सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज विशिष्ट रूप से, मुख्य रूप से विश्व के महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे। और महासागरों में सबसे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह महासागर परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टॉपिक सभी के लिए है, करीब करीब जो भूगोल के विद्यार्थी उन सब के लिए है, तो इस पे आप ध्यान रखिए। विश्व में मुख्य रूप से पांच महासागर पाए जाते हैं, जैसा आप लोगों को पता है कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर अर्थात उत्तरी ध्रुव महासागर, एक है अंटार्कटिक महासागर जिसको दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से इनको ये पांच प्रमुख महासागर पाए जाते हैं, बाकी इनके अलावा छोटे सागर होते हैं। अब मुख्य जो महासागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, हम उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर के बारे में या प्रशांत महासागर की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पे बात करते हैं। पूछा जाता है कई बार कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, सामान्य सा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है, तो उसका जवाब होता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये सबसे शानदार प्रश्न है, विशेषकर नेट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर किस प्राचीन महासागर का अवशिष्ट भाग है। तो ध्यान से सुनना, इसका जवाब है पेंथालासा। कई बार इसका नाम पेंथालासा लिखा जाता है और कई बार इसका नाम पेंथा लासा महासागर कहा जाता है। पेंथालासा महासागर की ये जो नाम की बात आती है, तो वेगनर महोदय ने पेंजिया के चारों तरफ जो अथाह सागर था उसको पेंथालासा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर के दोनों जो तट हैं पर कौन से पर्वत पाए जाते हैं, तो प्रशांत महासागर के जो दोनों तट हैं उन पर वलित पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है। उत्तर में प्रशांत महासागर का आर्कटिक सागर से संबंध किसके द्वारा होता है? उत्तर में ध्यान रखना कि उत्तर में प्रशांत महासागर का आर्कटिक सागर से, आर्कटिक सागर का मतलब उत्तरी ध्रुव सागर से संबंध किसके द्वारा होता है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रशांत महासागर, इसमें आंतरिक और सीमांत सागर भी पाए जाते हैं, तो इसमें से कोई भी एक नाम देकर के पूछ लिया जाए कि ये सागर कहाँ स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, चीन सागर, जावा सागर, कोरल सागर आदि किस महासागर, ये हैं आंतरिक और सीमांत सागर हैं, में पाए जाते हैं। तो इसका जवाब है प्रशांत महासागर में ये सीमांत सागर या आंतरिक सागर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर है, या तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये सामान्य सा प्रश्न है प्रशांत महासागर। एल्बट्रास, एल्बट्रास पठार स्थित है, एल्बट्रास पठार स्थित है, ये जो पठार है ये सागर के अंदर है और ये प्रशांत महासागर में है, ये किसी महाद्वीप में नहीं मिलेगा, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका नाम है अल्बट्रास पठार। यह ये जो पठार है ये पूर्वी प्रशांत जो कटक है,
जिसे अल्बट्रास पठार के नाम से भी जानते हैं। पूर्व पर यह जो पूर्वी प्रशांत कटक है उसी का ही भाग है और उसी को ही अल्बट्रास पठार के नाम से जाना जाता है। तो कई बार इस प्रकार का प्रश्न विशिष्ट जो भूगोल के विद्यार्थी हैं जो RPSC फर्स्ट ग्रेड नेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्वी प्रशांत कटक का दूसरा नाम है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। मध्य प्रशांत महासागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कटक है। मध्य प्रशांत महासागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कटक है, वो कटक है हवायन उभार। हवायन उभार, इसके इन हवायन उभार के अलावा जो महत्वपूर्ण अन्य कटक हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो है न्यूजीलैंड रिज और एक है क्वींसलैंड पठार, ये भी प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा द्रोणियाँ जो महासागर में पाई जाती हैं जिसको बेसिन्स कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर की प्रमुख जो द्रोणियाँ हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ जो मुख्य मुख्य हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न द्रोणी कौन से महासागर में स्थित है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक है इसमें फिलीपाइन द्रोणी, दूसरी है फिजी द्रोणी, तीसरी है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, चार नंबर पे है दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी। दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी जो है उसको जेफरीज द्रोणी भी कहा जाता है, जेफरीज द्रोणी। और एक है पांच नंबर पे पीरू चिली द्रोणी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में कुल कितनी कुल गर्तों की संख्या है। प्रशांत महासागर में कुल गर्तों की संख्या बताई जाती है अब तक 32। सबसे ज़्यादा जो गर्त पाए जाते हैं वो इसी महासागर में अर्थात प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक गर्त एवं खाइयाँ किस महासागर में पाई जाती हैं, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। प्रश्न करते हैं कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। इसका नाम कई बार चैलेंजर नाम से भी इसको पूछ लिया जाता है और इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर। नेक्स्ट जो है कि भाई प्रशांत महासागर के अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण गर्तों की अगर बात करते हैं तो निम्न गर्त हैं, टोंगा गर्त है, क्यूराइल गर्त है, फिलिपाइन गर्त है, और फिलिपाइन गर्त का दूसरा जो नाम है इमडेन गर्त, फिर है कर्माडेक गर्त, पीरूचिली गर्त, एल्यूशियन गर्त, मध्य अमेरिका गर्त, रिक्यू गर्त, टास्करोरा गर्त, जापान गर्त, स्वायर गर्त, नीरो गर्त, मरे गर्त, ब्रुक गर्त, बेली गर्त, प्लानेट गर्त। ये सारे की सारी जो गर्त हैं ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं और इनमें से कोई भी गर्त का नाम दे करके ये पूछ लिया जाता है कि निम्न ये गर्त जो है किस महासागर में पाई जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो महासागर है अटलांटिक महासागर, तो हो इसकी बात हम दूसरे फेज में करेंगे। धन्यवाद।